रीवा के जवा में अचानक एक खलिहान में आग लग गई, जिसकी वजह से किसानों का लगभग 200 क्विंटल गेहूं जलकर खाक हो गया, जिसकी कीमत करीब 2 लाख बताई जा रही है। जवा तहसील के साथ ही तीर गांव में अचानक खलिहान में भीषण आग लग गई, जिससे 7 किसानों का करीब 2 लाख कीमत का 200 क्विंटल गेहूं जलकर खाक हो गया। आग लगने की खबर लगते ही ग्रामीण आग बुझाने पहुंचे, लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि इस पर काबू नहीं पा सके और आग ने सब कुछ नष्ट कर खाक कर दिया। बताया जा रहा है कि आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड जब तक पहुंची, तब तक फसल जलकर खाक हो चुकी थी। लगभग 4 घंटे बाद बमुश्किल आग पर काबू पाया जा सका। सूचना मिलने पर जवा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता अभी नहीं चल सका है। फसल लगभग पूरे खलिहान में तो 35-40 बीघे की फसल रखी थी, कई किसानों की यहाँ फसल थी, पर हमारी तो व्यक्तिगत 4 बीघे की फसल थी यहाँ पे। आग कैसे लग पाई कुछ पता चल? अब आग लगने का कारण तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है, पर अब लगी है। आग पे काबू कैसे पाया गया? आग के काबू गांव वाले इकट्ठे हुए, आसपास मोटर सारे चलवा के पानी डाल के काबू पाया गया। फसल बच पाई थी? फसल कुछ नहीं बच पाई, आदमी प्रयास किया तो घर और बच गए हैं, पर फसल का एक दाना भी नहीं बच पाया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची तो क्या आग को काबू नहीं पा पाई? फायर ब्रिगेड की गाड़ी आते आते पहले ही आग में काबू पा लिया गया था गाँव वालों की मदद से। कितना नुकसान रहा आपके लगभग? वो गया 5 बीघे के लगभग। कितना कीमत रहा होगा? अब कीमत जो साहब कहा जानी, अब सरकार बता सके कीमत। मतलब आग पे काबू नहीं पा पाया, पूरी फसल जल गई। फसल जल गई, अब काटे है क्योंकि फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची तो क्या वो फायर ब्रिगेड पहुंची पर बाद में पहुंची, साधन ना होता तो घर घला बढ़ जात। कितना नुकसान हुआ आग लगे थे? 2 बीघा। कीमत की गेहूँ रहा अभी? अब कीमत के कम से कम 20,000। आग कैसे लगी? आग अब लगी है यहाँ, हम पर घरे में रहन हुआ से आन थे, यहाँ लगी रही तब उतार पच गया हो गया, अब पता नहीं कस के लाग। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।